स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं फिर आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो एनिमल हस्बेंड्री का पेपर हुआ है, इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो फटाफट से आप अपने आंसर की मिला लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा सीरीज है, ये सीरीज ए है। तो फटाफट से अपना आंसर की मिलाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, पशुधन का मतलब है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। दूसरा है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI स्थित है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, इज्जत नगर में। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, करण गाय की करण फ्रीज नस्ल विकसित हुई, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, थारपाकर / होलस्टीन फ्रीजियन सांड। अगला क्वेश्चन है, CIRG स्थित है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मथुरा में। अगला है, लोला को यह भी कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, साहिवाल। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमको पता चले कि हमारी मेहनत आपके काम आ रही है। अगला क्वेश्चन है कि खुरपका मुंहपका बीमारी किस पशु में नहीं होती है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सुअर में। अगला है, जरसिंध एक नस्ल है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, गाय की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, गोवा लाओ। अगला क्वेश्चन है, ब्लोट को यह भी कहते हैं, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, टिम्पेनाइटिस। अगला क्वेश्चन है, बछड़ा के मांस को कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बीफ। अगला है, 11 नंबर, किस राज्य में सबसे अधिक भेड़ की जनसंख्या है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, टामवर्थ एक नस्ल है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सुअर की। 13 नंबर क्वेश्चन है, भैंस की मेहसाना नस्ल विकसित हुई, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सूरती / मुर्रा से। और अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, टोडा एक नस्ल है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, भैंस की। अगला क्वेश्चन है, गाय की सफ़ेद सिंधी नस्ल को कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, थारपाकर। अगला है, 16 नंबर, सुनंदनी नस्ल है, तो सुनंदनी गाय की नस्ल है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, हिसारडेर उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, संकरण का। और 18 नंबर क्वेश्चन है, बकरी की गर्भावस्था है, तो बकरी की गर्भावस्था 150 दिन की होती है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। 19 नंबर है, गिल्ड शब्द का प्रयोग होता है, तो गिल्ड शब्द का प्रयोग जो है इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बास्टोरस। अगला 21 नंबर है, BQ किसके द्वारा होता है, तो ब्लैक क्वार्टर जो है बैक्टीरिया द्वारा होता है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, रोमंथी पशु के आमाशय के तृतीय भाग को कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, आमेजम। अगला 23 नंबर है, होप कालरा किसके कारण होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, वायरस। अगला 24 नंबर है, कोरडेल एक नस्ल है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, भेड़ की। और 25 नंबर है, मादा सुअर के बच्चा देने को कहते हैं, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, फेरोइग। अगला है, 26 नंबर, टप शब्द का प्रयोग होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, नर भेड़ा हेतु। अगला है, 27 नंबर, वेदर शब्द का प्रयोग होता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, कस्टर्ड नर मेढ़ा हेतु। अगला है, 28 नंबर, बेकन शब्द का प्रयोग होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्योर्ड मीट हेतु। और अगला क्वेश्चन है, टोगेनबर्ग नस्ल है, तो टोगेनबर्ग जो है बकरी की नस्ल है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। और 30 नंबर है, करण स्विस गाय का उत्पत्ति स्थान है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, करनाल। और अगला है, नागौरी गाय की नस्ल पाई जाती है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा, जोधपुर में। और अगला क्वेश्चन है, 32 नंबर, होलस्टीन फ्रीजियन गाय का उत्पत्ति स्थान है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, हॉलैंड। और अगला क्वेश्चन है, 33 नंबर, गाय की सबसे अच्छी देसी दुधारू नस्ल है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, साहिवाल। और क्लासिडियम परफ्रिंज एक कारक एजेंट है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ब्लैक क्वार्टर। दोस्तों, आज का पेपर जो है वो बहुत सरल आया था, तो उम्मीद है कि आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, चेंगथांगी से। अगला 36 नंबर है, मिल्क फीवर है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा, मिल्क फीवर एक मेटाबॉलिक बीमारी है। अगला है, 37 नंबर, शहर के लिए उपयुक्त बकरी की नस्ल है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, बर्बरी। 38 नंबर है, जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, इंग्लैंड। अगला है, 39 नंबर, बकरी की द्विकाजी नस्ल है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, जमुनापारी। अगला है, 40 नंबर, बकरी के मांस को कहते हैं, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, चेवन। अगला है, 41 नंबर, निम्नलिखित में से जुगाली न करने वाले पशु हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सुअर।
42 नंबर है, दिल्ली भैंस को भी कहते हैं, तो ये मुर्रा जो है इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला है 43 नंबर, की विलेज स्कीम प्रारंभ हुई थी, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1952 में। अगला है 44 नंबर, बर्डिजो कैस्ट्रेटर क्या है, तो ऑप्शन ए सही होगा, कैस्ट्रेशन उपकरण। अगला है 45 नंबर, IARI नई दिल्ली में शिफ्ट हुआ, तो ये 1936 में शिफ्ट हुआ, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला है 46 नंबर, गाय के गर्भ जांच परीक्षण गर्भाधान के कितने समय बाद होता है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 2 माह। अगला है डॉकिंग होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, भेड़ में। और अगला है कि 48 नंबर, गाय के शरीर का तापमान होता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। 49 नंबर है, गाय की नाड़ी दर होती है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 40 से 50 पर मिनट। अगला है 50 नंबर, हिन्नी विकसित हुआ, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मादा गधा गुड़े घोड़ा नर घोड़ा। अगला है 51 नंबर, जेब्राइड उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, प्रसंस्करण का। दोस्तों अगर आपने आगे आने वाले सेमेस्टर के नोट्स और सिलेबस और उससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, पास्चोरेला मल्टोसीडा एक कारक एजेंट है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, HS का। अगला है 53 नंबर, गला घोटू रोग का मुख्य लक्षण है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, गर्दन एवं जबड़े पर सूजन। अगला है 54 नंबर, बछड़ा के सिंगरोधन की उम्र है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 10 दिन। अगला है 55 नंबर, CIRB स्थित है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, हिसार में। अगला है किस देश में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, भारत में। अगला है 47 नंबर, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन स्थित है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, आनंद में। और 58 नंबर है, ICAR स्थित है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, नई दिल्ली में। और अगला है अंग्रेजी शब्द एग्रीकल्चर निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है, तो इसका तो आपको पता ही होगा, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। और अगला है 60 नंबर, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, बरेली में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके आज कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।